पटना में 500 बेड का कोरोना अस्पताल। बिहार सरकार की अहम पहल ने कोरोना से जंग जीतने का रास्ता साफ कर दिया है। बड़ी खबर है जहां पटना में 500 बेड का कोरोना अस्पताल मंगलवार से चालू किया गया है। पटना के दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल NMCH में 500 बेड का कोरोना अस्पताल होने से कोरोना से जंग जीतने का रास्ता साफ दिखने लगा है। हालांकि अस्पताल अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने कोरोना को भयावह होते देख लोगों से सतर्क रहने का अपील किया है। बता दें कि मंगलवार से पूर्व तक 160 बेड पर ही NMCH में कोरोना मरीजों का इलाज चलता था, लेकिन कातिल कोरोना की रफ्तार देख 500 बेड का कोरोना अस्पताल में इलाज मंगलवार से शुरू हो गया है। आज 20 अप्रैल है और इसके पहले हमारे पास जो है 160 बेड पर ही ऑक्सीजन था और उस पर हम लोग भर्ती कर रहे थे कोरोना के मरीजों को, लेकिन आज से हम 500 बेड पर कर पाएंगे मरीजों को भर्ती, जिसमें 400 हमारे ऑक्सीजन बेड होंगे और 100 जो है जनरल बेड होंगे, जिसमें डिस्चार्ज के पहले हम लोग स्टेप डाउन के रूप में उसमें रखेंगे जो मरीज पहले से ऑक्सीजन पर हैं उनको, और उसके बाद उसकी छुट्टी करेंगे। सर, डरने की बहुत ज़रूरत है और यह एपिडेमिक बहुत ही भयावह रूप ले रहा है। इसमें बहुत लोग घर के घर लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि आप निश्चित रूप से मास्क पहने, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, जो स्टैंडर्ड 4 चीज है उसको मेंटेन करना है, हैंड वॉशिंग बार बार करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और कहीं जो है जो फंक्शंस होते हैं उसमें भीड़ न लगाएं, कम से कम लोग उसमें जाएं और अवॉइड करें जाना, बाज़ार में नहीं जाएं, जाएं तो फिर दूरी मेंटेन करें और सुरक्षित करें अपने को।